तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ चुके हैं हमारे गार्डन में और कुछ कुछ काम करना स्टार्ट किया है। और क्या किया है वो आपको बताते हैं। और तबीयत थोड़ी सी ठीक है, अरे आ नहीं रहा, ठीक है हमारी। और चलो ठीक है, गार्डनिंग का ब्लॉग भी अभी शुरू करते हैं। आते ही मुझे कुछ दिखा गुलाब में, तो मैंने बोला पहले उसे सही कर लिया जाए, नहीं तो उनके बढ़ जाएगा। उसके बाद लगाएंगे हम, यहाँ झाड़ू क्लीन करेंगे। अरे तो ये देखो, ये वाले जो थे ना, जो मैंने आपको कल बताए थे, ये इस तरीके से, ये और ये सारे देखो, इसमें भी लगते हैं, गुलाब में लगते हैं ये। तो इसे उसी समय कट कर देना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, इसकी लीव्स हटा देती हूँ सारी की सारी, इस तरीके से। ये सारी कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे भी आपको दिखे ना, उसी समय आपको उनकी है ना लीव्स निकाल देनी चाहिए, जो भी इस तरीके की हो, नहीं तो पूरे पे फैल जाएंगे ये इस तरीके से। और देखिए और कहाँ और है। और आते अगर आपको स्टार्टिंग में पता चल जाए ना, तो उसी समय उसे निकाल देना चाहिए। और ये इस तरीके से ये सब भी निकाल देते हैं जो जो स्पेंड हो चुके हैं। और गुलाब में देखते हैं, इसमें तो नहीं है कहीं भी, इसमें भी देख लूँगी एक बार, इसमें कितने प्यारे रोजेस खिल रहे हैं। यहाँ नहीं है, ये तो एकदम सही है, इसी में स्टार्टिंग हो रही थी इस वाले में, इसे मैंने कट कर दिया। और ये देखो एक ही है इस तरह, ये भी इसे भी हटा लेना चाहिए इस तरीके से। तो चलो ठीक है, अभी एक बार झाड़ू वाड़ू निकाल लेते हैं, फिर दूसरा काम करेंगे। तो देखो बाहर की क्लीनिंग तो हो गई एकदम सही, और साथ ही साथ मैंने येलो लीव्स ये सारे इसमें से निकाल दी। और यहाँ भी बहुत सारे देखो, इस तरीके से अगर पत्तियाँ झड़ती हैं ना, तो आपको सारी ही निकाल देनी चाहिए इस तरीके से। जो येलो लीव्स वगैरह होती है, ये सारा क्लीन करके रखना चाहिए। तो जिस जिस गमले में ये सब इकट्ठा हो रहा है नीचे, क्योंकि उससे क्या होता है, पौधों को अच्छे से धूप वगैरह नहीं लगती है। तो ये सभी मैं साथ के साथ निकालती रहती हूँ। अब इसको सफाई कर लेते हैं यहाँ की सारी। तो इस तरीके से अगर आप रोज़ रोज़ सफाई करेंगे ना, तो आपको है ना एकदम बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी नहीं होगी मुझे टेरेस गार्डन में। मुश्किल से 10-15 मिनट लगता है रोज़ की सफाई में। चलो ठीक है, सारा कचरा भर लेते हैं, तो फिर काम शुरू करते हैं दूसरा। तो हो गई हमारी सारी साफ सफाई और कचरा भर दिया इसमें। अब क्या काम करेंगे आज हम, कुछ नया देखो। हड़ी नियम में कितनी सारी पत्तियाँ हो गई है, येलो येलो हो रही है, इसकी नहीं निकाली मैंने अभी। एक बार हड़ी नियम की सारी पत्तियाँ निकाल देते, उसके बाद दूसरा काम शुरू करेंगे। देखो इसमें कितने सारे नए नए फूल खिल रहे हैं आलमंडा में। और इसको मैंने लगाया था कटिंग के थ्रू, और अभी भी इसमें काफ़ी बर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, मगर अब इसका सीज़न जाने वाला है, इसलिए अभी इसे कुछ नहीं करूँगी। और अगर आपके हड़ी नीम की हालतें भी ऐसे हो रही है ना कि सारे येलो लीव्स वगैरह आ रही है, तो घबराएं नहीं, क्योंकि अभी इनका सीज़न जाने वाला है, डोरमेंसी में जाने वाला है, इसलिए सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल बिना लीव के लगे से। मगर अभी इसमें ना फर्टिलाइज़र दीजिए और पानी भी कम दीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखने की कोशिश कीजिए। और धूप नहीं आती है तो कहीं ऐसी जगह जहाँ ठंड ज़्यादा ना पड़े या रात का फॉग ज़्यादा नहीं पड़े, ऐसी जगह रखना चाहिए। ये यहाँ रहते हैं, दिन भर इन्हें धूप लगती है, और यहाँ इतनी सर्दी भी नहीं पड़ती राजस्थान में, तो इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उन्हें रूम के अंदर रखना चाहिए, इन्हें रूम के अंदर नीचे शेड में ले आना चाहिए, जहाँ इन्हें एकदम सर्दी का असर ना हो। तो चलो ठीक है, सारी पत्तियाँ इसके ऊपर निकाल देते हैं इस तरीके से। देखो हम ले आए ये वाला प्लांटर, इसमें मैं
कुछ कटिंग्स लगाऊंगे। तो देखो इसको सबसे पहले जैसे कि आपको पता है इन सब लीव से भरेंगे, इसमें कुछ वो नहीं भरूंगी मैं, वो मिट्टी के वो जस्ट ये लिया और इसको क्लियर में जमा दूंगी इस तरीके से नीचे। इससे क्या होता है ड्रेनेज भी अच्छा रहता है और पत्तियाँ ये डिकम्पोज की होती रहती है। तो इस तरीके से सब भर के अपना पोटिंग मिक्स ऊपर भर देंगे, बस इतना काफ़ी ज़्यादा नहीं भर कम है, बस इतना काफ़ी है। अब नीचे के वापस और ये बहुत अच्छा है ना, ये होता है आपके पौधों के लिए एक तरह से कह लो खाद, बहुत अच्छी खाद होती है। अगर ये कंपोस्ट हो जाती है ना धीरे धीरे, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ जब मुझे ज़्यादा बड़ा प्लांट लगाना होता है ये। अब इसे हम मिट्टी भर लूँगी, मिट्टी मिट्टी कैसे भरे, फटाफट से इसमें भी पूरी जिस तरह की आपको पता है कि इसमें मेरी ये पॉटिंग मिक्स रहता है और ये कैसे बनता है बता देते हैं। इसमें 50% तो रहती है रिवर्सेंड, बाकी 30% रहता है इसमें कंपोस्ट और 20% रहती है इसमें कंपोस्ट में उसमें क्या रहता है ये कंपोस्ट में मेरे इसमें रहता है काउडंग केक जो डिकम्पोस्ट हुआ हुआ रहता है अच्छे से, मोस्टली तो वही रहता है, बाकी इसमें पर मैं कंपोस्ट भी डाल देते हैं थोड़ा सा और बाकी 20% इसमें रहता है मेरे पास गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल में कम ही यूज़ में लेती हूँ, इससे क्या होता है सक्यूलेंट का ड्रेनेज अच्छा रहता है। और ये भी जो मैं प्लांट लगाने वाली हूँ वो भी सक्यूलेंट ही है, ये शैलो पॉट है, देख आपको बड़ा रहा होगा एकदम, मगर ये है देखो इस तरीके से इतना सा, ये कैसे बताऊँ आपको, देखो इतना सा मेरे हाथ भर का इतना सा प्लांट है ये, और सारे प्लांटर है। तो चलो ठीक है, इसे पहले फाड़ लेती हूँ पूरा। तो जिस प्लांट को हम वो करेंगे ना क्या बोलते हैं कि कटिंग्स लगाएंगे, उसके लिए सीजर की ज़रूरत होगी कटर की नहीं। तो सीजर को अच्छे से पहले धो लेते हैं जिससे इसमें कोई फंगस वगैरह कुछ हो या जिससे हमारा पौधा ख़राब हो उसे भट जाए, एकदम सही कर लेते हैं पानी से, नॉर्मल वाटर से धो लेते हैं। तो अब हम कटिंग लेंगे इसकी, अभी मैं एक कोटा से प्लांट्स लाई थी ना इसकी, और अभी इनका सीज़न है अच्छा वाला, तो उसको एक बार देखो मैंने नीचे, इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया, इसको इसमें ही रहने दिया था, उसकी कटिंग्स ले लूँगी इसकी और उसकी। तो कैसे लेंगे देखो को बताते हैं, पहले से खोल के देख लेते हैं। इसकी जितनी मैं कटिंग्स लूँगी उतना ही हो जाएगा एकदम बुशी, आपको भी लगेगा कि ये सही काम नहीं हो रहा है, मतलब फ्लावरिंग आ रही है और ये, मगर इसकी कटिंग अभी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। अभी भी इसकी कटिंग लगाएंगे ना तो ये आ जाएगा फुल फ्लावरिंग पे इसमें। तो इस तरीके से इसकी कटिंग्स ले लेंगे ऐसे, और ये देखो ये वाला ऐसी लीव्स होती है इन्हें सब हटा देना चाहिए, कहाँ से लेंगे ना तो आपको बताऊँगी ये कितना ग्रोथ करता है इस तरफ से देखो। तो उसको घुमा घुमा के पर अच्छे से देख लेते हैं हम कटिंग की हमें कहाँ कहाँ से इसकी कटिंग लेनी है। इस तरीके से इसकी छोटी से छोटी भी कटिंग लेंगे ना ये इसीलिए ग्रो कर जाएगा। तो चलो ठीक है, इस तरीके से मैं कलेंची प्लांट्स की कर सारी कटिंग्स ले लेती हूँ, उसकी भी इसकी भी। तो देखो इसे मैंने पूरा इस तरीके से कर दिया, इसमें आएगी नई नई शूट्स और नई नई ब्रांचेस, इसमें अच्छे से होगी फ्लावरिंग। और इसकी कटिंग सारी ले ली है और लीव भी ग्रो हो जाती है तो ये भी हम ट्राई करेंगे, और इस दूसरे वाले के साथ भी सेम वही प्रोसेस होगा, सारा इसे कट करके इसकी कटिंग ले लूँगी जिससे इसमें नई नई ग्रोथ हो और ये नए नए हमारे प्लांटर हो जाए तैयार। अभी ये बहुत बेकार चीज़ लगती है कि आपका इतना अच्छा पौधा हो रहा है और आप इसको बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं, मगर आप कुछ ही दिनों में देखेंगे ना आप खुद ही बोलेंगे कि कितना सही डिसीज़न होता है। तो इस तरीके से ये मुझे सारा ही कट करना है, इसे मुझे जिस प्लांटर में लगाऊंगी उसमें बहुत सारी इसकी कटिंग्स लगानी है और इसे भी बहुत अच्छा करना है जिससे नेक्स्ट सीजन में इससे मैं बहुत सारे प्लांट्स ले पाऊँ और गिफ्ट कर पाऊँ। पिछली बार मैं लाई थी नर्सरी से सब दो, उससे कम मैंने 50 पौधे ऐसे बनाए और
सबको गिफ्ट भी कर दी है। तो इस तरीके से इसे तैयार करेंगे। इसे और भी कट कर लेती हूँ थोड़ा सा। और इसकी सबसे अच्छी बात होती है, यहाँ कोई फंगीसाइड पर लगाने फंगीसाइड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी फंगस वगैरह नहीं लगती इस प्लांट में, इसलिए ये सबसे इसकी अच्छी बात होती है। अब इस कटिंग को यहीं छोड़ देंगे, धूप में कोई शॉक में या कुछ नहीं जाता है ये प्लांट, क्योंकि मेरा तो इतने सालों का है एक्सपीरियंस। और ये पूरा सीज़न विंटर फ्लावरिंग प्लांट भी सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये पूरा सीज़न अच्छे से सर्वाइव करता है, नेक्स्ट सीज़न भी। ये इनकी पत्तियाँ हैं, इन्हें मैं अलग से ग्रो करूँगी, क्योंकि ये लीफ के थ्रू बिजी लुक जाता है। और ये पत्तियाँ कहाँ से निकली, इसके नीचे नीचे की सारी हमने हटाई है, ये सारे के सारे इस तरीके से, ये सारे के सारे। इस चीज़ से अब कुछ नहीं करेंगे, हम इस तरह से लगा देंगे। अब देखना, ऐसे मैंने फ्लावर के साथ भी लगाया ना, तो ये फ्लावर में ब्लूमिंग भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, इसके फ्लावर इसकी एनर्जी लेते हैं। आ रही हूँ भाभी जी। तो इस तरीके से इसे हम लगा देंगे। ये देखो जस्ट इसे ऐसे इस तरीके से। तो चलो इन सारी कटिंग्स को ऐसे लगा देते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। और इसी के साथ इसमें दो शेड्स तो हो गए, इसमें तीसरा शेड्स इंक्लूड करने के लिए मैं दूसरे क्लंच की भी कटिंग ले आई। बटे कहाँ से लाई हूँ मैं, यहाँ से, इसमें से। ये बहुत लैगी हो रहा था तो इसको मैंने कट कर लिया यहाँ से। इसमें से नई नई शूट्स आएंगे और ये बुशी हो जाएगा। यहाँ से ले ली कटिंग, अब उसमें लगा देंगे। इसमें आप आएंगे हमारे तीन शीट्स एक साथ। अब इसे भी जस्ट ऐसे ही लगा देंगे, इसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कटिंग लग जाएगी। जितनी भी बड़ी लगाना चाहिए इसीलिए ग्रो कर जाएगी, और जितनी आप छोटी लगाना चाहें वो भी बहुत ईजीली ग्रो कर जाएगी। तो बीच बीच में इसकी कटिंग्स भी लगा देते हैं। और इसे हम रख देंगे यहाँ, इसे कोई ऐसे बस कटिंग हिलनी नहीं चाहिए, बार बार ऐसी जगह रखें। ये देखो यहाँ रख दिया। अब इसे यहाँ दिन भर की धूप मिलेगी, इसे कोई शेड एरिया ऐसा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अच्छे से सर। बस बार बार हिला इसकी कटिंग है ना, ऐसी जगह ना रखें कि वो हिले बार बार। तो चलो ठीक है, अब इसका रिव्यू आपको देते रहेंगे डेली। अब हमारे पास और इसके फ्लावर्स भी देखना ब्लूम करेंगे, ऐसा नहीं कि बड हट जाएगी मतलब ख़राब हो जाएगी या एनर्जी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। फ्लावरिंग के साथ इसकी कटिंग लगाएं वो भी अच्छा रहता है। इसकी रूट्स बहुत जल्दी आती हैं, तो ये बेस्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। और अब इसकी लीव्स लगा देते हैं सारी। तो ये देखो नर्सरी का ये जो प्लांटर था, इसमें इसका पौधा निकाल के, इसमें मैंने पौधा क्या निकाल के, ये जो मेरे पास ऐसी थैलियाँ रखी हुई थी ना, इसे मैं संभाल के रखती हूँ कटिंग्स लगाने के लिए। इसमें मैंने अपना पॉटिंग मिक्स भर दिया है, वही वाला सेम वाला। और इसमें इसको पहले मैं पानी से पूरा फिल कर दूँगी। और ये काम कर रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम, इस पहले मैंने नहीं लगाई, मगर मैंने वीडियोज़ वगैरह में देखा है कि इसकी है ना ये इजीली ग्रो कर जाती है, इसकी लीफ भी बहुत जल्दी इसमें रूट्स वगैरह आ जाती है। और जिस तरह क्या हुआ था सिंगोनियम, हाँ नहीं सिंगोनियम नहीं, कौन सा प्लांट था वो यार, नाम याद नहीं आ रहा, क्या था कलंजू, हाँ नहीं कलंजू नहीं था वो कोलियस, कोलियस की कटिंग पानी में बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, इजीली ग्रो, उसका मैंने आपको बताया था। और वो वीडियो आपने बहुत पसंद भी की थी और वो नहीं लगी थी, मतलब सारी ही ऐसा नहीं है कि सही बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट कर जब करते हैं हम, जब उसको खुद प्रैक्टिकल करते हैं तब पता चलता है कि सही था या नहीं। तो इसीलिए मैंने इसकी लीव्स भी सारी लगा दी है। इसमें कितनी ये चलती हैं, कितना क्या होता है वो भी करेंगे आपके साथ शेयर। तो चलो ठीक है, सारी लगा देती हूँ, बहुत सारी बाकी हैं। तो देखो बहुत सारी कटिंग्स तो मैंने लगा दी इसमें, और यहीं इसके साथ में रख दिया है, और अभी और भी बची है, तो मैंने सोचा इसमें लगा दी जाए इनकी कटिंग्स। बाकी वो जो प्लांटर खाली हो गया था ना, उसमें बस कुछ नहीं करना होता, जैसे इसको ऐसे रखनी होती है। और इसका क्या रिज़ल्ट रहेगा, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, वो आपके साथ करूँगी मैं शेयर। तो चलो ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो को भी यही ख़त्म करते हैं। आई होप कोई आपको अच्छी लगी होगी तो आपको पता है कि क्या करना है। ओके बाय फ्रेंड्स।